जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरपालियन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टैंक ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर. एज्यूम दैट, ये एज्यूम कीजिए कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर. तो अब इसमें देखिए क्या दे रखा हमें, इसमें यह बोला गया है कि एक हमें क्या बनाना है, टेंट बनाना है. और एक टेंट बनाना है, देखिएगा वो टेंट कैसा होना चाहिए, कोनिकल होना चाहिए. तो हमने क्या किया, एक कोन बना लिया लाइक दिस, इस तरीके से. और उस कोन की जो हाइट है, ये जो ये हाइट है, ये हाइट कितनी है, ये 8 मीटर है. दूसरा जो रेडियस है वो 6 मीटर है. ये मान लिया यहां से यहां तक की 6 मीटर है. तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट यानी एल फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमसे ये भी पूछा है क्या कि इस टेंट को बनाने में कितना, क्योंकि ये टेंट होगा तो ये क्लोथ से बनेगा या त्रिपाल से बनेगा, तो वो त्रिपाल कितना यूज हुआ ये हमें निकालना है. दूसरा उतना ही यूज होगा त्रिपाल जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा. यानी फाइनली हम क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. तो हम चलिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे. उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन. एज्यूम मानी ये मान के चलिए उसमें जो एक्स्ट्रा चीज यूज होगी, जैसे उसको सिलाई भी जाएगा, उसको स्टिचिंग किया जाएगा, तो सिलाई में या उसको गोलाई गोल करने में या राउंड करने में जो एक्स्ट्रा चीजें कट की जाएंगी, यानी जो क्लोथ खराब होगा, जैसे हमने पिछले ही बताया था कि कोई भी चीज, जैसे ये शर्ट है इसको स्टिचिंग कराते हैं तो स्टिचिंग करने में कुछ चीजें खराब निकल जाती हैं, तो जो मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन निकल गया वो कितना है, लगभग 20 सेंटीमीटर निकल गया लेंथ का. तो पहले हम क्या निकालेंगे, यानी जो हमारा बचा है वो उसका एरिया और जो टेंट है उसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा. और फिर क्या निकालेंगे हम, कितना तरपाल लगा है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. तो देखिएगा हमें ये हाइट दे रखी है, ये एच दे रखा है और ये आर दे रखा है. तो इन दोनों की हेल्प से हम स्लेंट हाइट निकाल लेंगे. तो चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया. तो देखिएगा ये आर हमारा कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है. और हाइट कितना दे रखा है हमें, हाइट हमारा दे रखा है 8 मीटर, ठीक है ना. अब क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर हमें स्लेंट हाइट की नीड है तो हम क्या करेंगे, L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए रेडियस हमारे पास क्या 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ ये क्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा. अब दोनों का क्या कर लेंगे, देखिएगा स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ये 64 हो गया. अब देखिए दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, 100 हो जाएगा इस तरीके से. और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ गया. तो 10 मीटर क्या निकल के आ गया, इसकी स्लेंट हाइट आ गई, जो कि ये 10 मीटर आ गई इस तरीके से. अब क्या निकालेंगे, अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे. तो कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, देखिएगा पाई आर और एल. तो पाई की वैल्यू 3.14 उन्होंने यूज करने के लिए बोला है, तो हम भी इतना यूज करेंगे. और रेडियस की प्लेस पे 6 है और जो स्लेंट हाइट हमारी आई है 10 आई है इस तरीके से. तो देखिएगा यहाँ पे 10 है तो डेसिमल जो होगा 1 प्लस बैक आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले तो हम क्या करेंगे, 0 इसको इंक्रीज लगा देंगे यहाँ पे, या 10 का 10 ही रखिएगा इस तरीके से. 6 और 3.14 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 4 जा हमारा कितना आ जाएगा, 24 टू कैरी, 6 बन जा 6 2 8, फिर 6 3 जा 18 यहाँ पे आ गया. अब 2 के बाद डेसिमल तो हम भी 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे. यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 1 प्लेस और बैक आ जाएगा, मींस क्या आ जाएगा 188.4 और ये मीटर स्क्वायर इतना. ये क्या आ गया, ये टेंट का एरिया आ गया ये. लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्लोथ और भी लगा है जो क्या है, मार्जिन बनाने में यूज हुआ है.
अब देखिए इसमें एक चीज हमें और भी दे रखी, क्या एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, यानी एक्स्ट्रा लेंथ। जैसे मान लिया क्या कि ये है, ये इतना क्लोथ है, अब आप इस क्लोथ का क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे या टेंट बनाएंगे जो कोन की शेप में होगा। तो क्या है, जैसे मान लिया मैं इसका कोन बना रहा हूं ये इस तरीके से, ये तो ये हमने क्या बनाया, ये देखिए एक कोन बन गया है इस तरीके से, ये तो कुछ ये एक्स्ट्रा बेस दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये इसको राउंड करेंगे तो ये कट करना पड़ेगा, दूसरा कुछ सिलाई करेंगे तो उसमें भी दब जाएगा। तो अब क्या है कि जो एक्स्ट्रा है, अब ये जैसे मान लिया ये लेंथ होगी इस सीट की और ये ब्रेथ होगी, तो इनका कहने का मतलब ये है कि 20 जो है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया इन्होंने, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल लेंथ में से। तो हमने क्या लेके चलेंगे, लेट बी द टोटल लेंथ ऑफ तरपालियन सीट इक्वल टू एल ले लेंगे, और उस लेंथ में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बेकार चला जाता है, ये सेंटीमीटर में है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लेट करेंगे, लेट वी द लेंथ लेंथ ऑफ तरपालियन इक्वल्स टू एल मीटर, हमने क्या मान लिया एल मीटर है। अच्छा, तो अब सो दैट आफ्टर रिड्यूसिंग, यानी बनने के बाद कितना रिड्यूस हो जाता है, कितना खराब चला जाता है, तो स्टिचिंग मार्जिन बेस्टेज, ठीक है ना, आफ्टर बेस्टेज, यानी आफ्टर बेस्टेज, यानी बेस्ट निकलने के बाद कितना बचा है लेफ्ट तरपालियन, ठीक है ना, यानी लेफ्ट तरपालियन कितना बचता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, एल में से क्या करेंगे, लेंथ में से क्या सेपरेट करेंगे, जो बेस्ट निकल जाता है वो सेपरेट कर देंगे, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर निकल है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहीं पे मैं राइट कर देता हूं, ये 20 सेंटीमीटर है ये, और मीटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20/100, देन इट विल बी जीरो, देखिएगा ये 1 2 2, जीरो हटाएंगे तो डेसिमल यहां पे है, जैसे मान लिया तो ये 1 2 2 प्लस और आगे आ जाएगा, यानी 0.2 मीटर हो गया, तो -0.2 मीटर, ये इस तरीके से -0.2 मीटर ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, ये इतनी वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट क्यों की, ये इतनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट इसलिए की है क्योंकि ये इतना कट करके निकल जाता है, ये बेस्ट के रूप में निकल जाता है, तो टेंट में तो है नहीं है, क्योंकि टेंट जब स्टिचिंग किया गया होगा, सिला गया होगा, तो उसमें कुछ कट करके भी निकाला गया होगा, तो वो तो टेंट में है नहीं, तो इसीलिए टोटल लेंथ में से हमने ये 0.2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब जैसे मान लिया ये त्रिपाल है, ये किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, और इसी त्रिपाल का हमने यूज करके टेंट बनाया है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस टेंट का भी एरिया होगा, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो हमने हटा दी, एक्स्ट्रा लेंथ थी जो जितना कम हो रहे थे लेंथ वो हमने 0.2 लेंथ में कम कर दिया, तो ये बची हुई लेंथ है लेफ्ट आफ्टर बेस्टेज, आफ्टर बेस्ट यानी वेस्ट निकालने के बाद लेफ्ट त्रिपालियन लेंथ और राइट कर देते हैं इसमें, यानी कितना लंबा त्रिपाल बचता है, तो इतना लंबा बचता है, यानी लेंथ हमें पता है ये मिल गई, और ब्रेथ हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है इतने मीटर बाय, जैसे मतलब ये कि आप दुकान पे जाते हैं, जैसे मान लिया आपको त्रिपाल खरीदना है तो त्रिपाल इस तरीके से आपको मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से दुकानों में रखा रहता है, और इस तरीके से आपको मिलेगा, रोल बना हुआ होगा, तो इसकी ये चौड़ाई तो फिक्स रहती है, ये 3 मीटर चौड़ा, वो आपसे पूछेंगे कितने मीटर चौड़ा चाहिए आपको, तो आप बोल दोगे कि उन्होंने बताएंगे कि 1 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, आपको 3 मीटर चौड़ा चाहिए, वाइड चाहिए, तो बोल देंगे ये 3 मीटर वाला है, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि कितना चाहिए आपको, 10 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको बताओगे कि हमें इतने मीटर चाहिए,
वो मुझे किस लिए चाहिए, एक टेंट बनाने के लिए चाहिए। तो फिर वो क्या बोलेंगे, अच्छा आपको टेंट बनाने के लिए चाहिए, फिर वो आपसे कहेंगे ऐसा है कुछ तो आपका कटिंग में बेस्ट निकल जाएगा, तो आप कुछ एक्स्ट्रा लेके जाओ, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले जाओ या 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले जाओ, ताकि आपको जितना चाहिए वो आपको मिल सके। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो हमने सेपरेट की है। तो मींस क्या हुआ, आफ्टर बेस्ट यानी बेस्ट निकलने के बाद, कटिंग निकलने के बाद जो बचेगा वो लेंथ में से ही तो हम 0.2 सेपरेट करेंगे, क्योंकि ये टोटल लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, एल माइनस 0.2, अब ये बाइट जो है ये 3 मीटर हमें दे रखा है। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया का तो टेंट बनेगा, उतना ही कपड़ा तो टेंट में लगाएंगे जितना हमारे पास ये है। yes, तो यानी इसका एरिया और टेंट का एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे। चलिए अब हम इन्हीं को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करते हैं। कैसे राइट करते हैं देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करें या कंपलसरी नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तो इसलिए एरिया ऑफ तरपाल, तो हम तरपाल का एरिया निकालेंगे, तरपालियन सीट, यानी एरिया ऑफ तरपालियन सीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ तरपालियन सीट क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके, सीएसए ऑफ कोन, ये इसके बराबर हो जाएगा। कोन का मतलब टेंट, टेंट कोन की शेप में है इस तरीके से, और तरपाल की जो सीट होगी वो रेक्टेंगल की, इस तरीके से तरपाल हम खरीदेंगे। तो यानी इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें ये क्या होगा, ये चीज तो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इस तरीके से, और ये 3 मीटर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लेंथ हमें कितना दे रखी है, एल माइनस 0.2 मीटर इस तरीके से, तो हम यही लिखेंगे इसमें। तो क्या होगा देखिएगा, एल क्या लेंगे इसमें, जीरो माइनस एल माइनस 0.2 इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3 इस तरीके से। चाहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं क्या, एल इंटू बी इक्वल्स टू सीएसए कितना आया है, ये आया, इसके इक्वल टू हम राइट कर लेंगे लाइक दिस। और लेंथ कितनी है, एल माइनस का 0.2 ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रेथ कितना है, 3 है, और ये हमारा क्या जाएगा, 88.4 हो गया लाइक दिस। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये 3 जो है इस तरफ चला जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा, तो एल माइनस 0.2 इक्वल्स टू 88.4, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3 5 15 हो गया, 3 आया, 3 5 3 6 18 भी हो सकता है यहाँ पे, कम्प्लीटली 3 6 18 हुआ, और 3 2 6 हुआ, 2 लेफ्ट में आया और बीच में डेसिमल आ गया, तो बीच में डेसिमल और 4 यानी 24, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 8 जा भी लग सकता है ये, यानी 6.28 आ जाएगा। ये क्या आ गई वैल्यू सॉल्व होने के आफ्टर में, 0.2 इक्वल्स टू 62.8 आ गया, 62.8। अब ये पॉइंट जो 2 वैल्यू जो है वो उस तरफ चली जाएगी, यानी एल इक्वल्स टू 62.8 प्लस 0.2, ये प्लस करना है। तो देखिएगा ये प्लस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, चलिए इसको भी प्लस करते, कैसे करते देखिए, 62.8 है आपके पास, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, चीजें मैच हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.2 हमने यहां लगा दिया, करना है प्लस, यहां कुछ नहीं, 0 लगा दो, 10 हुआ, 1 कैरी हो गई, 2 और 1 3 हो गया, और यहां 6, तो ये 6 यानी 63 हो गया। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा देखिएगा, ये 63 मीटर आ जाता, यानी लेंथ कितनी होगी, 63 मीटर निकल के आ गई, यानी कितना तरपाल लेना पड़ेगा, 63 मीटर। और कुछ पूछा है इसमें देखिएगा, व्हाट द लेंथ ऑफ तरपाल, हाँ ठीक है, तो यानी ये हमारी क्या निकल के आ गई, टोटल लेंथ निकल के आ गई, और जो कि कितनी होगी, 63 मीटर होगी। तो क्वेश्चन में यदि कोई क्वेरी हो या कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।